दोस्तों हमारे पास हायर वालों की एलईडी है 42 इंच के। दोस्तों इसमें मसला यह है कि इसका डिस्प्ले रोशन नहीं हो रहा है, साउंड आ रही है, डिस्प्ले रोशन नहीं हो रहा। ये देखिए मैं इसकी पावर ऑन करता हूँ। ये देखो दोस्तों, गौर से देखें स्क्रीन पे, हल्की सी आपको स्नो महसूस हो रही होगी। ये देखें हल्की सी स्नो आ रही है डिस्प्ले पे, गौर से देखने पर पता चलता है। तो दोस्तों आज मैं आपको इसका तरीका क्या बताऊंगा कि इस किस्म के फॉल्ट को आप किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों आप हमारी कंप्लीट वीडियो देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपने बैक कवर के तमाम स्क्रू रिमूव कर देने हैं और बैक कवर को अलग करना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपने ये ऊपर वाले बोल्ट भी ओपन कर लेने हैं, उसके बाद आपने बैक कवर को ओपन करके एक साइड पे रख देना, ठीक है। दोस्तों आपने सबसे पहले बैक लाइट की सप्लाई को चेक करना है कि क्या वहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं। सबसे पहले हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। दोस्तों इसमें दो सेट लगे हुए हैं, ये देखें, ये हमने पहले सेट पे लगाई। ये देखें दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं। इसी तरह हम दूसरे जैक पे भी चेक करेंगे कि क्या वहाँ पे भी वोल्टेज आ रहे हैं। ये देखें दोस्तों वहाँ पर भी वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब है कि हमारी बैक लाइट बिल्कुल ओके है, सप्लाई बिल्कुल ठीक है। इसके एलईडी में मसला हो सकता है। तो अब हम इसका पैनल खोलेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों आपने सबसे पहले करना यह है कि इसका बड़े एहतियात से जो है डिस्प्ले वाला जो जैक है इसको रिमूव कर देना है। ये देखें दोस्तों, रिमूव करने के बाद आपने अब ये टीकॉन के ऊपर जितनी भी टेप लगी हुई है इस सब को रिमूव कर देनी है। ये टेप उतार देनी है टीकॉन के ऊपर से, बड़ी एहतियात से आपने टेप उतारनी है क्योंकि ये बहुत नाजुक हिस्सा होता है। इसको बड़े एहतियात से आपने तमाम टेप जो सी है टीकॉन के ऊपर से उतार लेनी है और टीकॉन को अब हम फिर अलग कर देंगे। दोस्तों हम ये एलईडी को सीधी करके रख देंगे। सबसे पहले हम इसके जो फ्रंट वाला जो फ्रेम है इसको ओपन करेंगे। दोस्तों उससे पहले इसके ऊपर से हमने ये सारी पैकिंग उतार दी है। इस साइड पे पैकिंग थी, हमने वो पैकिंग उतार के एक साइड पे कर दिया। अब दोस्तों हम इसका फ्रंट वाला जो फ्रेम है उसको सबसे पहले रिमूव करेंगे। ये देखें दोस्तों,
दोस्तों आपने फ्रंट फ्रेम उतार के एक साइड पे इसको रख देना, ठीक है। अब दोस्तों आपने बड़े एहतियात से जो है टीकॉन इसको कवर में से उतार निकाल के अलग कर लेना। ये देखें, दोस्तों आपने बड़े एहतियात से डिस्प्ले वाले पैनल को उठाकर एक साइड पर रख देना, किसी महफूज जगह पे, ठीक है। दोस्तों आपने अब ये इसके ऊपर से साइड पे जो ब्लैक कलर के फ्रेम लगे हुए हैं इनको भी आपने उतार के एक साइड पे रख देना, ठीक है। ये दोस्तों हम ये रिमूव कर रहे हैं। दोस्तों इसके ऊपर जो शीटें लगी हुई हैं आपने इसको उठा के एक साइड पे रख देना, ठीक है। ये टेप के साथ चिपकी हुई है, आपने इसको बड़े आराम से अलग कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों आपने ये क्लिप को रिमूव करना है। क्लिप को रिमूव करने के लिए दोस्तों आपने इसके बैक साइड से सबसे पहले आपने सप्लाई पोर्ट और टीवी कार्ड जो है इस इनके स्क्रू ओपन करके आपने क्लिप को रिमूव कर लेना है, क्योंकि क्लिप को रिमूव करने के लिए हमें ये कार्ड के जो से स्क्रू हैं वो खोलने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपने दोनों कार्ड के जो से स्क्रू ओपन करके क्लिप को रिमूव कर लेना, और रिमूव करने के बाद दोस्तों आपने अब ये शीट को उठा के एक अलग कर लेना है। ये जो प्लास्टिक शीट है आपने इसको उठा के अलग कर लेना है। अब दोस्तों आपने सप्लाई वाली वायर जो सी है वो लगा देनी है। पावर सप्लाई हम सबसे पहले इसके ऑन करेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या हर स्ट्रिप पे वोल्टेज आ रहे हैं। अब दोस्तों आपने इसकी पावर ऑन कर देनी है। दोस्तों ये देखें, हाँ स्ट्रिप पे वोल्टेज आ रहे हैं। अब हम इसमें फॉल्ट ट्रेस करेंगे कि कौन सी एलईडी ख़राब है। आपने स्टेप बाय स्टेप तमाम एलईडीज़ को चेक करना है और इन पर वोल्टेज चेक कर लेने हैं। तमाम एलईडी पर वोल्टेज आपने चेक कर लेने हैं स्टेप बाय स्टेप के हर एलईडी पे वोल्टेज आ रहे हैं। दोस्तों ये देखें, एक एलईडी हमें ओपन मिली है जिस पे वोल्टेज नहीं आ रहे थे। तो दोस्तों अब हम इसे शॉर्ट करके देखेंगे कि क्या हमारी एलईडीज रोशन होती हैं। ये देखें दोस्तों, ये हम इसको शॉर्ट कर देंगे इस एलईडी को। ये वाली एलईडी ख़राब निकली है, ओपन हुई हुई थी, तो एलईडी हमारी रोशन हो चुकी है। ये पहली और तीसरी स्ट्रिप ऑन हुई है,
क्योंकि इसमें एक एलईडी ओपन थी, वो जैसे सर्किट कंप्लीट हुआ है, ये सीरीज में लगी होती हैं एलईडी, जैसे सर्किट कंप्लीट हुआ है तो हमारी एलईडी रोशन हो गई हैं, पहली स्ट्रिप की और तीसरी स्ट्रिप जो सी है, पहली डो और तीसरी डो, ठीक है। तो दोस्तों हम अब इस एलईडी को रिपेयर करेंगे। देखिए पहली और तीसरी ये आपस में एक सेट है, और दूसरी और चौथी इन ये आपस में एक सेट है, इसमें दो सेट लगे हुए हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम सबसे पहले इस एलईडी को रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों ये देखें हमने इस एलईडी को चेंज कर दी है, और अब ये हमने इसकी पावर ऑन की। ये देखें दोस्तों हमारी ये एलईडी रोशन हो रही है, पहली स्ट्रिप की और दूसरी स्ट्रिप तीसरी स्ट्रिप की, पहली रो और तीसरी रो की में जितनी भी एलईडी लगी हुई हैं तमाम रोशन हो चुकी हैं। अब हमने इसमें फॉल्ट ट्रेस करना है दूसरी एलईडी में कि वो दूसरी स्ट्रिप क्यों नहीं रोशन हो रही है। दोस्तों इसमें एक एलईडी ख़राब निकली है, ये भी ओपन हुई हुई है। अब हम इसको भी शॉर्ट करके पावर ऑन करके चेक करते हैं। ये सबसे पहले हमने पावर ऑफ की, अब दोबारा पावर ऑन की। ये देखें दोस्तों तमाम एलईडी रोशन हो गई हैं, सिर्फ एक है जिसको हमने शॉर्ट किया है जो रोशन नहीं थी हुई, ये ओपन हो गई हुई एलईडी। अब हम इसको भी रिपेयर करेंगे, जैसे हमने पहली एलईडी रिपेयर की है इसी तरह दूसरी एलईडी को भी हम रिपेयर कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। दोस्तों आपने इसके ऊपर से कैप रिमूव कर देनी है और एलईडी को रिपेयर करना है, ठीक है। हमने एलईडी भी रिपेयर कर ली, अब हम इसकी दोबारा पावर ऑन कर दें। ये देखें दोस्तों मैंने पावर ऑन की, ये देखें दोस्तों तमाम एलईडीज हमारी रोशन हो चुकी हैं। इनमें दो एलईडीज ख़राब निकली थी, दोनों एलईडी हमने रिपेयर किए हैं, और अब ये देखें हमारा दोनों सेट ऑन हो चुके हैं, तमाम एलईडीज रोशन हैं। दोस्तों आपने ये शीट को साफ़ करके अब इसके ऊपर दोबारा से लगा रख देनी है, एडजस्ट कर देनी है ठीक तरीके से। अब दोस्तों आपने इसके ऊपर पैनल रखने के लिए साइड वाले जो फ्रेम उतारे थे ब्लैक कलर के, वो फ्रेम भी चारों तरफ लगाकर ऊपर पैनल को रख लेना। ये देखें दोस्तों हमने अपने एलईडी को मुकम्मल बंद कर दिया, अब हमने इसकी दोबारा पावर ऑन की। ये देखें दोस्तों इसका डिस्प्ले रोशन हो चुका है, इसकी बैक लाइट का मसला था, हमने वो रिपेयर की एलईडी, तो हमारा जो सा पैनल है वो रोशन हो चुका है। ये देखें आपके सामने है
LED ہماری بالکل اوکے ہو چکی ہے. تو دوستو مزید نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ٹھیک ہے دوستو.